गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्जाम रूट में। और आज हम बहुत चर्चित मुद्दे में, जो करंट अफेयर की श्रृंखला हम लाया करते हैं, उसमें आज जो प्रमुख जितने भी स्टैचू बनाए गए हैं, उन सारे स्टैचू के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है जब हम एक एक स्टैचू को पढ़ लेते हैं और फिर बाद में वो काफ़ी कन्फ्यूजन का क्रिएट करता है। तो इसलिए मैं सारे जितने भी स्टैचू है वो एक जगह लाया हूँ। पहला प्रमुख स्टैचू में, पहला स्टैचू की हम बात करते हैं, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। स्टैचू ऑफ जो इक्विलिटी है, यह हैदराबाद में, इसकी हैदराबाद में बनाया गया, 216 फीट का है। समानता की मूर्ति भी बोला जाता है इसे हिंदी में। और संत श्री रामानुजन की जो प्रतिमा है, उसका स्टैचू यह बनाया गया है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्टैचू है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? बैठी हुई मुद्रा में, बैठी हुई मुद्रा की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कौन सी है? स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, संत श्री रामानुजन की, हैदराबाद में। सेकेंड वाली है स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस हिंदी में बोलेंगे एकात्मता की मूर्ति, जो मध्य प्रदेश है उसमें खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य जी की 108 फीट की मूर्ति है। और जो उनके गुरु गोविंद भगवतपाद थे, शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवतपाद जी थे, उनके द्वारा इनको यहाँ पर शिक्षा प्राप्त हुई थी ओंकारेश्वर में। और शिक्षा प्राप्त होने के कारण उसी जगह पर एकात्मता की मूर्ति का अनावरण किया गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। और इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 12 वर्ष की अवस्था की मूर्ति की बात करी कर रखी गई है, यानी शंकराचार्य जब 12 वर्ष के थे उस समय की उनकी मूर्ति ये बनाई गई है। शंकराचार्य जी की बात करें हम, जन्म 788 में हुआ था, दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और वहीं पर इनका एक जो इनका विचार था कि एक ईश्वर है, एकेश्वरवाद पर ये मोनोथिज्म वाले व्यक्ति थे, इसी पर इनके जो ये मूर्ति है उसका नाम रखा गया एकात्मता की मूर्ति। थर्ड वाली बात करते हैं हम, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है महाराष्ट्र के लातूर में इसकी स्थापना की गई, 70 फीट की है ये, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। ये जो फीट है ये अगर याद नहीं होता है, लेकिन इतना तो ध्यान रखना है स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है, महाराष्ट्र में, और बी आर अम्बेडकर की यह क्या है, मूर्ति है। स्टैचू ऑफ पीस की हम बात करें तो राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में 27 फीट की आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति को स्टैचू ऑफ पीस के रूप में राजस्थान में इसका निर्माण किया गया। जैन आचार्य है ये, जैन धर्म के आचार्य थे, उनके नाम पर बनाई गई है। फिर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित की गई, 108 फीट की ऊंचाई, 108 फीट की इसकी ऊंचाई थी। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, ये जो श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा है ये बेंगलुरु के क्या थे, संस्थापक थे, और उन्हीं के नाम पर क्या बनाया गया है, इनका स्टैचू बनाया गया और उसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में, 108 फीट, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। और इसके जो निर्माण जो थे, वास्तुकार थे, मूर्तिकार थे, वो थे राम वी सुतार। छठी है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है ये श्री रामानुजाचार्य जी की है और 4 फीट ऊंची, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसकी स्थापना जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनके द्वारा की गई है। तो स्टैचू ऑफ पीस एक श्रीनगर में भी है और स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में भी है। ध्यान रखना, जो स्टैचू ऑफ पीस है ये श्री रामानुजाचार्य जी की है और ये क्या है, जैन आचार्य वल्लभ सुश्री महाराज की है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वार शहर में इसकी स्थापना की गई, 369 फीट की ऊंचाई की है ये
भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया, विश्वास का स्वरूप भी बोला जाता है इसके स्टेचू ऑफ बिलीफ को। तो किसकी है ये? भगवान शिव की प्रतिमा है, राजस्थान के नाथद्वार शहर में इसकी स्थापना की गई है। लास्ट है स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी, जो गुजरात है वहाँ का केवड़िया है, वहाँ केवड़िया नर्मदा के तट पर 597 फीट 180 मीटर की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और दुनिया के सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, केवड़िया नर्मदा के तट पर गुजरात में। L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया और मूर्तिकार कौन थे? राम वी सुतार। तो मेन ये क्या थी? प्रमुख स्टेचू थे, ध्यान रखना, स्टेचू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद में, समानता की मूर्ति भी बोला जाता है, संत श्री रामानुजन की है। और एकात्मता की मूर्ति या स्टेचू ऑफ वननेस खंडवा ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट की, और भगवत पाद उनके गुरु थे और केरल में थे, केरल में जन्म हुआ था, तो शंकराचार्य की वननेस। स्टेचू ऑफ नॉलेज B.R. अंबेडकर जी की महाराष्ट्र में, स्टेचू ऑफ पीस राजस्थान में, और आचार्य विजय वल्लभ जी की जो जैन आचार्य है उनकी, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति है ये। स्टेचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य से संबंधित है, स्टेचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में, और राजस्थान के नाथस्वर में भगवान शिव की प्रतिमा बनाई गई है। स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया नर्मदा के तट पर, और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ये है। तो ये थे सारे प्रमुख क्या स्टेचू, और किसी अन्य वीडियो में हम किसी अन्य ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।